नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 की 10 तक। में मैं हूँ आपके साथ खुशी। उम्मीद है फैमिली आपकी अच्छी होगी और आपका ख्याल रख रही होगी। इसी बीच रात के 10 बजे हम आपको अलग अलग कहानी से रूबरू कराते हैं। आज की भी कहानी बेहद खास है। आज की कहानी है दिल्ली की। बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर शर्मसार हुआ बाप बेटी का रिश्ता। सौतेले पिता ने बेटी को बनाया हवस का शिकार। दिल्ली रेप केस कांड में यह फिर एक मामला सामने आ रहा है। दिल्ली के सलीमपुर इलाके में 13 साल की किशोरी के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। आरोप है कि किशोरी के सौतेले पिता ने उसे हवस का शिकार बनाया। उसने अपनी सौतेली बेटी के साथ न तो केवल छेड़छाड़ की बल्कि दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया। पिता बेटी के इस रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला यह मामला सामने आया है। मामला सलीमपुर इलाके का है, जहां पर एक सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी को अपने हवस का शिकार बनाया। कई बार घर के अंदर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और हमेशा की तरह उसे किसी न कुछ बताने से उसे काट डालने की धमकी देता रहा। 13 साल की पीड़िता शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं की भी मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस आरोप की तलाश कर छापेमारी कर रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बता दें कि दिल्ली सलीमपुर इलाके में 13 साल की किशोरी के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। आरोप है कि किशोरी के सौतेले पिता ने उसे हवस का शिकार बनाया। इसके बाद उसने सौतेली बेटी को न साथ उसके साथ छेड़छाड़ की बल्कि दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया। पीड़िता गौतमपुरी इलाके में रहती है और वह 6वीं कक्षा की छात्र है। छात्र की माँ और पिता का तलाक हो चुका है। माँ ने दूसरी शादी कर ली, तब से पीड़िता अपने सौतेले पिता के साथ ही रहती है। पिता बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर मामला सलीमपुर इलाके का है। यहां पर एक सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया। कई बार उसने अपने घर के अंदर ही उसके साथ दुष्कर्म किया और हमेशा की तरह किसी को कुछ बताने पर काट डालने की धमकी देता रहा। 13 साल की पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं का पर मामला भी दर्ज किया है और पुलिस आरोपी की तलाश पर छापेमारी कर रही है। बता दें कि दिल्ली के सलीमपुर इलाके में 13 साल की किशोरी के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। आरोप यह है कि किशोरी के सौतेले पिता ने उसके हवस का शिकार बनाया। उसने सौतेले पिता के साथ न ही केवल शिकायत के आधार पर छेड़छाड़ की बल्कि दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया। पीड़िता गौतमपुरी इलाके में रहती है और वह 6वीं कक्षा में पढ़ती है। छात्र की माँ और पिता का तलाक हो चुका है। माँ ने दूसरी शादी कर ली, तब से पीड़िता अपने सौतेले पिता के साथ ही रहती है। दस की दस तक में बस आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे 10 की 10 तक में, 10 को रात को 10 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश 10 की 10 तक में। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस।